Well, people want YouTubers to hype Backlash 22 because Vince McMahon could not do it. Spoiler alert, anything that Vince McMahon cannot do, any other person cannot do either. <laughs> so guys, Joma Champions of the World now 3DX yes, people want... ट्वेंटी ट्वेंटी टू इट इज लाइक कमिंग टू कपिल शर्मा शो कि भैया हमारी हीरोपंथी टू को प्लीज प्रमोट कर दो यार हाइप बना दो तकड़ी सी हाइप बना दो वो, 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 मिनट क्या हमने अपने आपको कपिल शर्मा शो से कंपेयर किया दैट्स एन अचीवमेंट लेकिन अगर खुद ही कंपेयर कर रहे हैं तो अचीवमेंट थो थोड़ी ना है नो दैट सैड एंडस वी डोंट वॉन्ट बैकलैस ट्वेंटी ट्वेंटी टू बी लाइक हीरो मतलब एक बहुत बड़ी स्टिपुलेशन रखने वाला हूँ मैं बिकॉज इफ वाली कंडीशन बैकलैस के लिए अभी तक आई नहीं है एंड वो क्या इफ कंडीशन है इस बार थोड़ी भयंकर वाली है एंड छह मैचेस के लिए पहले मैं तो रैंकिंग रख दूंगा कि ये ये मेरे को लगता है कि इस हिसाब से बढ़िया मैचेस होंगे तो नंबर सिक्स पे जो है मेरे हिसाब से वो मेरे को लगेगा कि सबसे कम एंटरटेनिंग रहा मैच मीन वाइल नंबर वन पर बेस्ट मैच ऑफ द नाइट या मोस्ट एंटरटेनिंग मैच ऑफ द नाइट रहेगा तो इसीलिए जो मेरी प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग नंबर सिक्स पर जो मैंने मैच रखा है वो है बॉबी लैशली वर्सेज ओमोस का सिंगल्स मैच नंबर फिफ्थ पर है हैप्पी कॉर्बिन वर्सेज मैड

कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिश ही था तो उसी पैटर्न को अगर इन्होंने फॉलो किया देन दे कुड कुली आउटशाइन एवरी अदर मैच आउट देयर हाउ एवर मेरी हाई होप्स एजेस एज से भी ज्यादा रहने वाली है रीजन मैंने मैक एंड आर के ब्रो वाले मैच को नंबर टू पर रखा है मोमेंट आई थिंक मेन इवेंट पॉसिबल मेन इवेंट होने की वजह से इसमें हमें कोई बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं शार्लेट फ्लेयर वर्सेज राउंडर हाउस को मैंने थोड़ा नीचे इसीलिए किया बिकॉज आई डोंट नो मैन जस्ट आई क्विट मैच है आई क्विट मैच में किस तरह से आई क्विट बोलेंगे वो देखने वाली बात होगी बट एट द सेम टाइम जो वो 20 मिनट तक खींचेंगे हो सकता है कि वो 20 मिनट पसंद ना आए तो इसीलिए बस बस वो थोड़ा सा डर लग रहा है बाकी एक एंड मैम मॉस एंड लैशले नो मॉस को तो ऑब्वियसली बिकॉज कुछ है नहीं ना उधर स्टिपुलेशन वगैरह तो इसीलिए वो रखा है एनी जो उसके अलावा मेरे को चीज़ें लगती हो सकती है ऑफकोर्स फिन बैलर एंड डेम प्रीस्ट का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है रिंग साइड से तो बैंड है लेकिन रिंग के ऊपर से तो आ सकते हैं स्टिंग को तो सबने देखा ही होगा दुनिया में <laughs> तो वो चीजें हरकतें हो सकती है मेरी बार टायर के मैच में तो डेफिनेटली कुछ अलग होगा अगर वहां पर क्लीन मैच खत्म हुआ क्लीन एज इन के कुछ नहीं हुआ मतलब यू नो रिटर्न वगैरह या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज तो, तो हम समझ लेंगे कि भैया बैकलैश हो गई है बेकार है सिर्फ उसी मैच के बेस पे समझ रहे हो तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ तो स्पेशल देखने को मिलेगा एंड पीपल आर सेइंग कि बैकलैश देखो यहाँ पे रिटर्न करने के लिए पहले से एडवर्टाइज था तो देर देखने के लिए रिटर्न के लिए कहा जा रहा है तो आई एम जस्ट कि देखो अगर ब्रॉकलैजनर रिटर्न करते हैं थाउजेंड टाइम्स ऑन स्ट्रीम दैट्स अ चैलेंज फाइव थाउजेंड टाइम्स ब्रॉक लेजनर बोलूंगा मैं और पता नहीं ये बहुत लंबा जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो इतना तो ब्रॉकलाइजनर ने मैच नहीं दिया होगा <laughs> जितना मैं बोलने पे टाइम निकाल दूंगा तो ये काफी काफी है, था था काफी वियर्ड वियर्ड स्टिपुलेशन है है बट एट द सेम टाइम फैंटेसी भी तो भाई क्यों बाहर तो गया गए थर्टी एट में डू यू वॉन्ट की मनी इन द बैंक में फिर से होगा ब्रॉकलाइजनर वर्सेज रोमन रेंस बहुत ही मुश्किल है यार जब ब्रॉकलाइजनर मनी इन द बैंक लैडर मैच के बीच में आने का ऑप्शन है उनके पास तो फिर वो पहले से मैच क्यों करेंगे रोमन रेंस के साथ एंड विज इट फॉर दिस वीडियो डेफिनेटली भाई हाइप तो मैं नहीं कर सकता वो तो देखो आपको उठ के देखनी पड़ेगी बैक अगर आपको पसंद आनी होगी तो आ जाएगी नहीं आनी होगी तो फिर हाइप से भी कुछ नहीं होने वाला उल्टा और भी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी फिर तो कि अरे यार इतनी हाइप थी हमने पहले देखे नहीं कितने पेपर भी में हाइप हो गए थे और फिर नंगे होके आ गए दरअसल मैंने थर्टी में नंगे हो गए थे भाई सब फुल हाइप होकर आ गए तो ये ये चलता रहता है सीनारी एनी वेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिख कर बताना अपनी रैंकिंग के आपको क्या लगता है कि कौन लाइक किस रैंकिंग में मैच होने वाले हैं और कौन सा बेस्ट होगा और कौन सा बेस्ट होगा में अगर तो आपको पसंद है, तो करो. को को करो पास बुलाया सबका सब दिल था चुराया अपने नाम का सच था बनाया दो का इसने परिवार था चुटाया देस देस पर समय की मार है या मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है की आज सबने इसको बुलाया फ्राइडे को इसने आर के ओ था लगाया फ्राइडेज को इसने आर के ओ